हाय गाइस, वेलकम एंड वेलकम बैक टू द चैनल, दिस इज कौस्तुभ। तो आज इस वीडियो में आप लोगों के सामने एक नया बैटरी इंस्टॉल करूंगा। जो मेरे बाइक का पुराने बैटरी था वो खराब हो गया है। दो तीन महीने पहले मैंने एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें मैंने दिखाया था कि बैटरी का हालत कुछ ठीक नहीं है। चार्ज करके मैं यूज कर रहा था बट अभी वो चार्ज करने पर भी ठीक से काम नहीं कर पा रहा है। जो सेल्फ बटन है वो भी नहीं काम कर पा रहा है, इसलिए मैंने सोचा कि एक नया बैटरी खरीदते। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि बैटरी खरीदने के वक्त आपको क्या क्या चीज़ ध्यान में रखना चाहिए, कौन सा बैटरी आपको खरीदना चाहिए, एंड आप लोग और एक क्वेश्चन ज़रूर करेंगे कि बड़े बैटरी लगा सकती या नहीं, तो उसके बारे में मैं इस वीडियो में बता दूंगा आप लोगों को। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब करिए, एंड चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। सो गाइस, ये रहा नया बैटरी। तो मैंने एक्साइड ब्रांड का बैटरी खरीदा है, बट मैं यहाँ पर कोई भी ब्रांड का प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि जब मैं शॉप में गया था एंड पूछा कि कौन सा बैटरी अच्छा रहेगा, तो उन लोगों ने बोला कि अगर आपका बजट अच्छा है तो आप लोग एक्साइड पे जा सकते हैं, अगर थोड़ा सा कम है तो दूसरे बहुत सारे ब्रांड्स है उस पर आप जा सकते हैं। बट मैं अभी आप लोगों को बताऊँगा कि आप लोग जब बैटरी खरीदने जाएंगे तो क्या क्या चीज़ ध्यान में रखना चाहिए। पहले जो बाइक में बैटरी था पहले से, उसका जो एम्पियर है उसी हिसाब से आपको नया बैटरी लेना है। तो आप लोग अभी क्वेश्चन करेंगे कि बड़े बैटरी लगाना चाहिए या नहीं। हाँ, बड़े बैटरी आप लोग लगा सकते हैं, बट उसके लिए आपको जो बैटरी का प्लेस है उसको कट करना पड़ेगा, एंड जो चार्जिंग यूनिट है उसको भी थोड़ा सा मॉडिफाई करना पड़ेगा। बट इस केस में अभी मैं उसको कोई भी मॉडिफाई नहीं करूँगा, जो स्टॉक बैटरी है उसी हिसाब से मैंने ये बैटरी खरीदा है। एंड इस बैटरी का वारंटी पीरियड है 48 मंथ्स। अगर आप सर्विस सेंटर से खरीदने जाएंगे तो आपको 2 साल का वारंटी मिल जाएगा, बट अगर आप कोई भी डीलर्स वगैरह से खरीदना चाहते हैं तो आपको 48 मंथ्स का वारंटी मिलेगा। पहले 2 साल जो है फ्री रिप्लेसमेंट का है, एंड उसके बाद जो है कुछ परसेंटेज घटा दिए जाएंगे नए बैटरी से। जो बैटरी है मेरा वो 2 साल तक चला, उसके बाद तो ख़राब हो गया। अगर ये बैटरी फिर से 2 साल बाद ख़राब होता है तो मुझे कुछ डिस्काउंट भी मिल जाएगा नया बैटरी लेने के वक्त। तो अभी मैं इस बैटरी का रेट वगैरह बता देता हूँ। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इसका जो प्राइस है वो है 1457 रुपीज़ MRP, एंड ये 2019 के जनवरी में मैन्युफैक्चर हुआ है, बट मुझे ये मिला 1350 रुपीज़ में। 100 रुपीज़ का कुछ डिस्काउंट भी मिल गया। और आपको जो मैं वारंटी के बारे में बता रहा था, तो ये रहा वारंटी के बारे में, आप देख लीजिए। जैसे ही मंथ्स वगैरह बढ़ते जाएंगे ऐसे ही जो परसेंटेज वगैरह है वो कम होता जाएगा। जो बैटरी है स्टॉक के जो एम्पियर्स वगैरह थे, स्टॉक बैटरी में जो एम्पियर्स था वही एम्पियर्स है, कोई मैं बड़े बैटरी यहाँ पर इंस्टॉल नहीं करूँगा। सो गाइस, अभी आप देख सकते हो अभी बाइक में पुराने बैटरी है, तो यहाँ पर इग्निशन भी ऑन है, चाबी भी ऑन है, लाइन आ रहा है, बट उतना पावर नहीं है बाइक के बैटरी में। तो अब यहाँ पर देख सकते हो मैं सेल्फ को दबा रहा हूँ तो यहाँ पर काम नहीं हो रहा है। इस वाले पैनल को खोल लेना है, मैंने पहले ही खोल के रखा था, तो पुराने बैटरी जो है उसको निकाल लेते हैं अभी। सो गाइस, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर दोनों बैटरी है, ये रहा पुराने वाले बैटरी आप लोग देख चुके होंगे, और ये रहा नया वाला बैटरी। तो हम लोग अभी इस बैटरी को रख देंगे, बाद में देखेंगे इससे कुछ काम वगैरह होता है या फिर टेस्टिंग वगैरह में जो लाइट्स वगैरह है उसको टेस्टिंग करने में काम आ जाएगा, क्योंकि इसका पावर अभी भी है बट सेल्फ देने के लिए इसमें उतना पावर नहीं है। और ये वाला जो है इसको हम लोग इंस्टॉल करेंगे अभी। I'm here and I'm feeling exaggerated, that's what you assume. The story's over now, I must conclude. I am conflicted, watching where I step, still hanging in the balance, not the life I want to live. I want to take it all, standing tall, fear outweighed the person you are. Oh, गाइस अभी मैंने बैटरी को चेंज कर लिया, आप लोगों ने देखा इंस्टॉलेशन, तो अभी दिखाते हैं कि जो सेल्फ है वो ठीक से काम कर रहा है। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि एक बारी में स्टार्ट हो गया, और यहाँ पर फोन वगैरह भी ठीक से काम कर रहा है।
सो गाइस आप लोगों ने देखा कि कैसे मैंने नया बैटरी जो इसको इंस्टॉल किया एंड इस बैटरी के रिलेटेड जो कुछ भी आप लोगों का क्वेश्चन था वो आप लोग कमेंट सेक्शन में कर सकते। मुझे जो बताना था मैं बता दिया है कि बैटरी खरीदने के बाद आपको क्या क्या चीज़ नज़र में रखना चाहिए एंड बड़े बैटरी इंस्टॉल करना है या नहीं है वो भी मैं आप लोगों को बता दिया। तो इस वीडियो को हम लोग यहीं पर ही ख़त्म करते हैं। इस वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो एंड चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दो एंड जो बेल बटन है उसको भी दबा दो। See you in my next video. Till then, bye-bye.